We are students of JKSB Finance Accountants Assistant. जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज के इस वीडियो में कुछ एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज हियर विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगलटन सेट्स। यहां पे द सेट ए हमारे पास, सेट ए यहां पे हमारे पास है, ए सेट इज इक्वल टू एक्स साइज दैट एक्स इज लेस आर इक्वल टू 7 एंड एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 7। एक्स बिलोंग्स टू सेट, इस तरह एक सेट है। दूसरा सेट क्लियरली वी सी हियर, इस सेट में हमारे पास ये एक ऑप्शन है इसका एक्स इज लेस आर इक्वल टू 7, तब जाके 7 के बराबर है और वो इंटीजर जो 7 से छोटे हैं। साथ ही में इस पे ये कंडीशन भी एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 7, वो एक्स इस सेट में होंगे जो लेस आर इक्वल टू 7 या 7 या 7 से छोटे होने चाहिए या 7 या 7 से बड़े होने चाहिए। अगर आप देख रहे इन एलिमेंट्स में एक ही एलिमेंट है दैट इज इटसेल्फ 7, अब नेचुरल सेट विच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन एक्स इज लेस आर इक्वल टू 7 बिकॉज 7 इज इक्वल टू 7। इसी तरह ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर दिस सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, देयरफॉर इट इज ए सिंगलटन सेट। मीन्स जो यहां पे ऑप्शन फर्स्ट है इट इज सिंगलटन सेट, फर्स्ट ऑप्शन फिलहाल ठीक है। नाउ सेकंड बी ऑप्शन जो है, बी पार्ट बी सेट यहां पे जो है सेकंड ऑप्शन में दैट इज एक्स साइज दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर। डियर स्टूडेंट, इस सेकंड ऑप्शन को देखने के लिए आपको पहले प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं मान ले जिनका डिवीजन ले, जैसे हम ए, अगर हम एक नंबर लेंगे इफ इट इज डिविजिबल बाय प्लस माइनस ए और प्लस माइनस वन, ये चार जब इसके डिवाइजर्स होंगे, सिर्फ ये चार ए प्लस माइनस वन, तब जाके इट इज प्राइम नंबर होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब प्राइम नंबर्स की बात जो है वहां पे एक ही प्राइम नंबर है विच इज इवन दैट इज टू। टू इज द ओनली सिंगल प्राइम इन द सिस्टम ऑफ प्राइम नंबर्स जो इवन नंबर है, बाकी जो भी प्राइम नंबर है वो ऑड नंबर्स होते हैं। ओनली वन प्राइम नंबर विच इज इवन दैट इज टू, therefore this set contains only one element that is 2, therefore B option is also correct. Which of the following is our singleton sets? Option मैंने पहला discuss किया, second भी discuss किया, now we discuss third one option. The set B set यहाँ पे, the set of lines passes through two distinct points. एक set ऐसे C मान ले, इस सी, ये सी जो इट इज सेट ऑफ लाइंस विच पासिस थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स, दो फिक्स्ड पॉइंट्स है प्लेन में, उन पॉइंट्स से जितनी लाइंस जा रही हैं वही उन्हीं लाइंस का सेट सी है। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको ज्योमेट्री का थोड़ा कंसेप्ट होना चाहिए। ये फंडामेंटल एक्सियम है, फंडामेंटल रिजल्ट है, इफ वी हैव टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन only one line that is unique line which passes through these two points, therefore जो set C आपके पास है उसमें एक ही line होगा, एक ही element होगा, therefore C option जो है वो भी इस objective में फिलहाल singleton set।
नाउ लास्ट ऑप्शन जो है इसमें डी ऑल ऑफ दीज मीन्स ए ऑप्शन भी सिंगलटन सेट है, बी ऑप्शन भी सिंगलटन सेट है, सी ऑप्शन भी सिंगलटन सेट है, तब जाके क्लियरली द करेक्ट ऑप्शन इज लास्ट वन दैट इज डी पार्ट दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इस तरह ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ए स्टेटमेंट जो है यहां पे एन ऑफ ए यूनियन बी इट इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। ये ए पार्ट है, बी पार्ट है, एन ऑफ ए यूनियन बी इट इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट इज सी ऑप्शन एन ऑफ ए यूनियन बी इट इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए यूनियन। लास्ट वन डी ऑप्शन इज नॉट दैट इज नन ऑफ दिस। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू। यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है एन ऑफ ए यूनियन बी दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इट इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड ऑप्शन एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए यूनियन बी। डियर स्टूडेंट्स मेरी इस चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें हमने फार्मूलाज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेट्स एक वीडियो अपलोड किया, वहां पे ये डिस्कस हुआ, इट इज वेल नोन फार्मूला। डियर स्टूडेंट यहां पे एन ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वी हैव इट इज ए इट इज बी ए सेट है ये बी सेट है। एन ऑफ ए यूनियन बी पहले होगा एन ऑफ ए इसके एलिमेंट प्लस एन ऑफ बी माइनस होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट यहां पे प्लस एन ऑफ ए इंटर एक रॉन्ग आंसर है, प्लस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन नहीं यहां पे इंटरसेक्शन। डियर स्टूडेंट इस तरह ये ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज सेम एज दिस वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इट इज आल्सो वेल नोन फार्मूला। ए ऑप्शन है यहां पे एन ऑफ बी इट इज इक्वल टू एन ऑफ बी प्लस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये एक ऑप्शन है। बी ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन एन ऑफ b is equal to n of b minus a plus n of a intersection b। c option is n of b it is equal to n of b minus a minus n of a intersection b and d option is not that is none of these। डियर स्टूडेंट इट इज ऑल्सो वेल नोन फार्मूला, ये भी हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में। डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज एन ऑफ बी माइनस ए, पहले ये आपको देखना है इसमें भी एन ऑफ बी माइनस ए, फिर आपको प्लस दैट इज सेकेंड वन बी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट इस तरह ये ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट इज ट्रू। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। डियर स्टूडेंट्स ये मैंने डिस्कस किया है सबसेट इज ऑफ ए गिवन सेट, वहां पे डिस्कस किया है नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। डियर सो रिमेंबर दिस नल सेट हर किसी सेट का सबसेट होता है, इट इज ट्रू। एवरी सबसेट इज सबसेट, एवरी सेट इज सबसेट टू इटसेल्फ, इट इज आल्सो फंडामेंटल कंसेप्ट। हर कोई सेट अपने आप का सबसेट होता है, ये भी डिस्कस किया हुआ है एक लेक्चर में। दोनों चीजें, ये दोनों चीजें सही है, नाइदर ए नॉर बी थर्ड ऑप्शन है, नाइदर ए नॉर बी एंड लास्ट ऑप्शन है बोथ एंड
क्लियरली फर्स्ट ऑप्शन इज सही, फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू, देयर फोर द लास्ट ऑप्शन जो है बोथ ए एंड बी आर ट्रू। डियर स्टूडेंट इस तरह आज का वीडियो हम इख्तिताम कर लें। डियर स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम रुखसत हो जाएं, सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाले हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेफादा करें। और डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एप्लीकेशंस एंड सेट्स डिस्कस करने वाले, उनके ऑब्जेक्टिव्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही हम डिस्कस करने वाले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।